लाइट जो है वो 1000 रुपए की है, सो आई मीन 1000 रुपए निकालने चाहिए, बट मुझे किसी और चीज में भी जरूरत है ना, तो इसलिए 4000 पे चलते हैं। ओके ब्रो, व्हाट? स्ट्रॉन्ग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग शायद थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि आज चाहिए थी लाइट, और मेरे दोस्त भी बहुत सारे पूछते हैं कि यार लाइट वगैरह कौन सी लें, अगर फिल्म इंडस्ट्री या यूट्यूब वाले यू नो थोड़ा सा आगे पीछे आ रहे हैं तो लाइट्स वगैरह का इशू हुआ हुआ है, लाइट्स इतनी महंगी आ रही हैं आजकल। सो आई मीन अगर नेट पर जाओ तो कम से कम मिनिमम जो आ रही है लाइट वो है 3000-3500 रुपये की, और वो आई थिंक मेरे पास पड़ी हुई है। आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू। खैर, सो द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत बहुत महंगा गियर है भाई। अगर आप फिल्म मेकर हो या फोटोग्राफर हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार कैमराज, लेंस, के लाइट्स, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत महंगी हैं। सो आज मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपने लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, क्योंकि अब इतना बजट तो है नहीं कि यार 30000 रुपये की लाइट लेंगे, तो अभी जो लाइट जल रही है ये जो मुझे एल्यूमिनेट कर रही है, तो ये बेसिकली 750 रुपये की है। वेलकम टू कराची ब्रो। भाई कराची में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले और वो सस्ती ना हो, सो स्पेशली सदर में। खैर, तो भाई हम लोग निकल पड़े सदर के लिए। अब सदर में इशू ये है कि ट्रैफिक इतना होता है कि आप गाड़ी पे नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। खैर, ट्रैफिक इतना होता है और छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ होती हैं, आप गाड़ी कहीं पे आप पार्क करोगे तो आपकी गाड़ी उठ जाएगी, चोरी नहीं होगी, उठ जाएगी, और जो दूसरी माफिया बैठी हुई है। और अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो भाई बाइक का भी ख्याल ही रखना पड़ेगा, कि अगर आप बाइक जहाँ पे पार्क कर रहे हो आप, तो उसका भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक भी उड़ जाती है आपकी, क्योंकि भाई कराची है ये, और यहाँ पे इलीगल पार्किंग का बहुत बहुत इशू है। आई मीन आई डोंट नो इलीगल क्या है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो बेसिकली थर्ड बाइक को उठा रहे थे, पहले दो को छोड़ के तीसरी को उठा रहे थे, फिर तीसरी उठाई, चौथी को छोड़ के फिर छठी को उठाई। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि लाइक अगर ये बाइकें भी खड़ी हुई हैं तो इन ये इलीगल नहीं है, वो इलीगल है, मसला क्या है। आई डोंट नो। खैर, जो भी है भाई, सदर में जो है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मुझे नाम नहीं पता इसका, बट अगर जब भी गाड़ी पे जाओगे तो आपको लोग बहुत तंग करेंगे, भाई आपको टीवी लेना है, आप आएंगे ना आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे भाई भाई सर टीवी लेना है, आपने टीवी बनवाना है, टीवी बेचना है। खैर, बाइक पे जाओगे तो इतना तंग नहीं करेंगे, अनलेस कि आप टीवी पीछे लेके जा रहे हो। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं इसको कराची का, और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती? मैं अगर लिस्ट बनाऊँ ना तो मैं अभी तक मतलब पूरी रात भी लिखूँगा, सुबह तक भी लिखूँगा, और फिर एक और दिन पूरा लिखूँगा, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पंखों से लेके छोटी छोटी सी लाइट्स और मतलब क्या नहीं है भाई यहाँ पे। खैर, तो ये एक शॉप मैंने ढूंढी है, असल में मैं पहले भी गया हुआ था, ये जो ब्लू कलर की लाइट पीछे जल रही है वो वहीं से ली हुई है, वही सेम 750 रुपये वाली है। खैर, सो द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत होता है स्पेशली, और आपको बाइक पे जाना पड़ेगा भले कितनी भी गर्मी हो। आई वुड सजेस्ट कि 5 बजे के बाद ही जाओ, बट स्टिल थोड़ा सा ट्रैफिक होता है वहाँ पे 5 बजे के बाद। पता तो होगा कि शारा फैसल पूरा बंद होता है 5 बजे के बाद। खैर भाई, वहाँ पे पहुँचो और आपको फिर वो दुकान नज़र आएगा। सो अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू गो, मैं अब मुझे नाम नहीं पता उस दुकान का, बट जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके की दुकान है ना, तो मुझे जो सही लगा मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, अब वो बिल्कुल कम से कम वाली जो है वो है 750 रुपये की, और उससे बड़ी अगर 750 से अगर आपको आगे आना है तो वो है 3200 रुपये। और अगर 750 वाली का ये कमाल है तो इमेजिन करो, ये बात भाई यहाँ पे लगी हुई है बिल्कुल स्ट्रेट ना, तो इमेजिन करो कि अगर 750 वाली इतना अच्छा काम कर सकती है तो 3500 वाली कैसे होगी। एग्जैक्टली। सो लाइट ली हमने, फिर उसके अलावा फिर जब बाहर आए तो गाड़ियाँ उठ रही थी भाई, गाड़ियाँ उठ रही हैं, लोग चीखें कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। आई डोंट नो। खैर, वहाँ पे जो ना ठेले लगे हुए होते हैं रोड पे, तो अगर वहाँ पे जाओगे तो एक बुढ़ा बैठा हुआ होगा, और उसके पास जो है ना एक किस्म की क्लिपर्स होंगी, ऑब्वियसली ये बिजली के लिए इस्तेमाल होती हैं बट हम लोग लाइट में इस्तेमाल करेंगे, और ये काम इस तरीके से आती है कि आप पीछे से इसको क्लिप करोगे पीछे से लाइट को, और फिर वो कहीं पे आप टांग दोगे,
तो आपको जो है ना ट्राईपॉड या स्टैंड वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं भाई, बजट पर चल रहे हैं। तो खैर, तो मैंने लाइट ली 750 रुपये की, राइट, 750 की लाइट ली। उसके अलावा मैंने 100 रुपये की दो क्लिपर्स ली, 50-50 की, दो 50 की एक, 100 की दो, 100 की क्लिपर्स ली, कितने हो गए 850 रुपये। और मेरे पास ये ब्रोकन पुराना जो है ये ट्राईपॉड पड़ा हुआ था, और मैंने दराज से 350 रुपये का ऑर्डर किया था और टूटा हुआ ये, इमेजिन करो। खैर, ये नहीं बोल रहा कि भाई आप ट्राईपॉड ले लो, आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें ले लो, ऐसा नहीं बोल रहा। इसको टांग भी सकते हो कहीं पे, या वो जो क्लिपर मैंने बताए हैं, क्लिपर क्लिप करके कहीं पे जो है ना छत वगैरह पे या कहीं पे किसी पिलर में लगा दो, वो भी कर सकते हैं। सो 850 रुपये में लाइट, आई मीन इन माई केस ये तो 750 रुपये की लाइट है। सो क्या कर सकते हैं, उस पर मल्टीपल कलर्स भी थे, बात रेड था, ब्लू था, येलो था, और मैंने जितनी दफ़ा भी ली है, आई मीन आई हैव स्टूडियो लाइट्स भी हैं मेरे पास, बट आई जस्ट वांटेड कि भाई देखूं कितने, अगर सस्ती जो है, अगर सस्ते से काम हो रहा है तो यार बेहतर ही है, तो राइट। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट करके बताओ, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कैमरा इतना दूर खड़ा, देख कैमरा इतना दूर पड़ा हुआ है तो पीस आउट नहीं कर सकते। सो भाई समझ लो पीस आउट हो गया, ओके okay?